आज हमने जब समाचार पत्रों को पढ़ा और उस पर कांग्रेस के प्रत्याशी का ये बयान कि हमारे प्रत्याशी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उनकी हत्या करवा सकते हैं, तो तत्काल हमारी पार्टी इस विधानसभा का जो हमारा कोर ग्रुप है उसने निर्णय लिया। हमने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की, हमारे प्रतिनिधिमंडल ने, हमने मांग की है कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो अगले 3-4 दिनों में अपने लोगों द्वारा एक प्रायोजित हमला अपने ऊपर करा सकते हैं और जिसका आरोप वो बीजेपी पर लगाएंगे, हमारे प्रत्याशी पर लगाएंगे, तो हमने जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय से मांग की है कि उनको कांग्रेस के प्रत्याशी को जितनी सुरक्षा उनको चाहिए उतनी सुरक्षा उनको दें, लेकिन अगर इस तरह का हमला उन पर होता है तो उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं होगी। दूसरा, जिस प्रकार से कल उन्होंने यहाँ आकर के रो करके एक लोगों की सहानुभूति लेने का प्रयास किया, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 2012 का चुनाव जब वो हारे और उसके बाद ज़्यादा समय उनका अपने गृह राज्य में बीता है, जनता से उनका संवाद बिल्कुल नहीं रहा और यही कारण है कि आज जनता उनसे सवाल पूछ रही है। उनके काफिले में बाहरी प्रांतों के ऐसे लोग चल रहे हैं जिनका अपना वोट नहीं है और वो उनके लिए वोट मांग रहे हैं, तो मेरा निवेदन यह है इस शांत शहर में, हरिद्वार शहर में जिस प्रकार से पहले भी चुनाव हुए लेकिन कभी इस तरह की वैमनस्यता पैदा नहीं हुई, इसको बना कर करके मेरा निवेदन है चुनाव चुनाव है, चुनाव को चुनाव के तरीके से लड़ें, लेकिन केवल चुनाव को जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाना ठीक नहीं है।